हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट बॉलीवुड। अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म सुई धागा के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्मों में अनुष्का का लुक बहुत ही ज़्यादा साधारण दिखाया गया है। उनका यह लुक सभी जगह छाया हुआ है। अनुष्का के इस लुक का सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है, पर इस बात का एक पॉजिटिव साइड भी है। फिल्म को बिना किसी मेहनत के पब्लिसिटी मिल रही है। उनका फिल्म में इतनी व्यस्त हो गई है कि उनको अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं है। उनको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द से जूझना पड़ रहा है। उनके डॉक्टर ने भी कहा है कि आराम करने के लिए, लेकिन वो फिर भी आराम नहीं कर पा रही हैं। आइए जानें अनुष्का को क्या बीमारी है। अनुष्का को बल्किंग डिस्क की बीमारी हो गई है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दर्द रहता है और साथ ही वो ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठ नहीं सकती। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है, पर वो इतनी बिजी शेड्यूल के चलते वो आराम नहीं कर पा रही हैं। बल्किंग डिस्क की बीमारी फिजियोथेरेपी के कारण होती है। इस बीमारी को ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इस बीमारी में जो भी हिस्सा इस बीमारी से प्रभावित होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द और भी बढ़ जाता है जब इंसान काफ़ी देर तक एक ही जगह बैठा रहे या खड़ा रहे। अनुष्का इसका इलाज करा रही है, पर वो रेस्ट नहीं कर पा रही, बल्कि प्लान के अनुसार वो सुई धागा के प्रमोशन के लिए शोज़ पर जा रही है, क्योंकि वो अपने कारण फिल्म को खतरे में नहीं डाल सकती है। काम को लेकर इतना समर्पण अच्छी बात है, लेकिन सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। इसके बाद ही अनुष्का इसकी परवाह किए बिना भी काम कर रही है। फिल्म में अनुष्का के साथ वरुण धवन भी काम कर रहे हैं। उनकी मूवी 28 सितंबर को रिलीज़ होगी और दोनों साथ में पहली बार काम कर रहे हैं। हम